प्रदेश संविदा और ठेका श्रमिक संघ एनटक आज प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। ग्वालियर में भी बिजली कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज शहर के सभी बिजली घरों से आउटसोर्स कर्मचारी रोशनी घर जमा हुए, जहां कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारियों की मांग है कि उनको नियमित किया जाए और अल्प वेतन पर कार्यरत विद्युत आउटसोर्स कर्मचारियों का विद्युत विभाग की सभी कंपनियों में संविलियन किया जाए। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों का कहना है कि अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी 2000 से बंद पुरानी पेंशन बहाल करे। वहीं बिजली कर्मचारियों द्वारा आज रोशनी घर से रैली निकालकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के बंगले का घेराव करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के बंगले का घेराव करेंगे, साथ ही विधानसभा के अंदर आंदोलन भी किया जाएगा। बता दें कि महाशक्ति प्रदर्शन में अंचल भर के बिजली कर्मचारी शामिल होने ग्वालियर पहुंचे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, व्हाट्सएप खेलना, फोटो खींचना बंद कर दो। देखिए, हम विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश शासन का ध्यान संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी एवं पुरानी पेंशन के लिए बराबर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पत्राचार के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, माननीय मंत्रियों के माध्यम से, किंतु बड़े खेत का विषय है कि आज तक मध्य प्रदेश सरकार ने हम लोगों की समस्याएं नहीं सुनी और ना उन पर कोई विचार किया है। मजबूर होकर आज हम 2 घंटे का यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से हम गांधीवादी तरीके से पैदल मार्च करके माननीय प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपे।